तो दोस्तों आपका स्वागत है बिल्कुल नए वीडियो में। और हम लोग हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से आ चुके हैं देहरादून, अभी नहीं देहरादून से भी निकल चुके हैं। देहरादून तो सिर्फ रुके थे बस थोड़ा देर, और वहाँ से हम लोग आ चुके हैं मसूरी। और ये मसूरी का वीडियो है, और अभी हम लोग मसूरी का ट्रेवल कर रहे हैं और मसूरी का ब्लॉग बन रहा है। तो आप देखते रहिए, वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा। और मसूरी के देखिए कहाँ कहाँ हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। आप देखिए अभी गाड़ी हमारी ही इसी बुकिंग है, इससे घूम रहे हम लोग। तो दोस्तों आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा शहर दिख रहे होगा, हल्का हल्का एक अपार्टमेंट वगैरह हर बड़ा ध्यान से देखिएगा, जूम करके तो मालूम चलेगा वीडियो ड्रॉप करके। तो वही मसूरी है दोस्तों, आपको सामने मसूरी दिख रहा है जो बिल्कुल पहाड़ों पर बसा हुआ है, एक पहाड़ दूसरे पहाड़ दूसरा पहाड़ तीसरा पहाड़ ऐसा कुछ है नज़ारा। और ये देखिए कैसा दिखता है। तो हम लोग अभी ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं। और ये हमारी टैक्सी है इनोवा जो हमने बुक किया था देहरादून से, वो हमको पूरा मसूरी घुमा करके वापस से देहरादून छोड़ देगा। तो चलिए आप आगे वीडियो को एंजॉय करते रहिए। तो हम लोग आ चुके हैं मसूरी के सबसे मेन टूरिस्ट स्पॉट जो है केम्पटी फॉल। ये एक झरना है दोस्तों जो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी मशहूर है मसूरी का। अगर आप मसूरी आए तो यहाँ पर स्नान ज़रूर करें, पर हमारे पास तो ज़्यादा समय नहीं है कि हम आपको स्नान करके यहाँ पर वीडियो बना कर दिखाएंगे अच्छे से। और आपको मैं ऊपर से ही दिखा सकता हूँ कैसा दिखता है ये झरना। ये है केम्पटी फॉल, ये मसूरी से काफ़ी दूरी पड़ता है, मेन मसूरी जो एरिया है उससे लगभग 10 से 15 किलोमीटर आगे नीचे है। क्योंकि आप मसूरी ऊपर की ओर चढ़ते देहरादून से फिर नीचे आपको उतरना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए। और ये दोस्तों कुछ ऐसा नज़ारा है केम्पटी फॉल का, और काफ़ी अच्छा दिखता है दोस्तों, और काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं, आते हैं लोग बहुत से यहाँ पर इन्जॉय करने के लिए स्पेशल केम्पटी फॉल में। और अगर गर्मी का मौसम अगर आपके यहाँ किए हुए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और काफ़ी अच्छा आपको लगेगा यहाँ पर आने के बाद। तो देखिए आप व्यू को कैसा दिखता है, और काफ़ी भीड़ है दोस्तों देख सकते हैं, देखिए लोग यहाँ पे। और आपको अगर मानते हैं कि आप अपना कपड़ा नहीं लेके आए हैं नहाने के लिए, तो आपको यहाँ पे रेंट पर कपड़ा वगैरह हर चीज़ मिलेगा, चेंजिंग रूम वगैरह भी अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है दोस्तों। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खुद अपना कपड़ा लेकर के आएँ, यहाँ पर हर चीज़ का व्यवस्था है पहले से। देखिए यहाँ पर आपको ट्यूब वगैरह मिलेगा उसमें तैरने के लिए, घूमने के लिए। तो चलिए आगे, अब वीडियो को इन्जॉय करते रहिए। ये कुछ आगे रास्ता था ऐसा नीचे उतरने के लिए, बीच में आपको कुछ ऐसा मार्केट मिलेगा, और रोपवे भी है यहाँ से नीचे जाने के लिए। अगर केम्पटी फॉल आपको नीचे जाना है, नीचे की ओर जाना है, आपके केम्पटी फॉल है, आपको रोपवे का भी सुविधा है। ये देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे मेन बोर्ड लगा हुआ है केम्पटी फॉल जाने का रास्ता, और ये कुछ ऐसा मार्केट है मेन रोड केम्पटी फॉल के पास में। तो वीडियो देखते रहिए दोस्तों, मज़ा आएगा आगे। दोस्तों हम लोग केम्पटी फॉल से निकल चुके हैं, और हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप जो है मसूरी लेक। तो ये ज़्यादा बड़ा लेक नहीं दोस्तों, छोटा लेक है, पर काफ़ी क्यूट सा लेक है, छोटा सा, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए अब आपसे हम मसूरी लेक को मिलेंगे। और ये हमारा जर्नी कुछ ऐसा चल रहा है हमारे गाड़ी से, और ये कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों मसूरी का। तो आप व्यू को इन्जॉय कीजिए, मिलते हैं अगले स्पॉट पर। तो दोस्तों हम लोग मसूरी लेक पहुंच चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे जैसे वीडियो में हम लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। केम्पटी पहले हम लोग केम्पटी फॉल गए, उसके बाद मसूरी लेक आ चुके हैं। और ये कुछ ऐसा है मसूरी लेक, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर अच्छा है, और यहाँ पे तरह तरह के घूमने फिरने के लिए स्पॉट बहुत सारा है यहाँ पर मसूरी में। और यहाँ पर एक्टिविटी करने के लिए बहुत कुछ है मसूरी लेक में, कि वो बॉल है जो पानी में तैरता है, आप वो भी जा सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं, छोटा ही है पर बोटिंग वगैरह भी हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और ये उधर रहते थे खाने के लिए व्यवस्था यहाँ पे, अगर कुछ खाना चाहते तो खा भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी करीब से एक ऐसा दिखता है मसूरी लेक, और इसके आसपास के कैसा नज़ारा है। तो वीडियो को देखते रहिए और आगे की ओर पढ़ते हैं, हम लोग को इन्जॉय करते रहिए दोस्तों आगे। ये देखिए सामने कैसा दिखता है, इधर बंजी जंपिंग वगैरह का भी सब सिस्टम है यहाँ पर, पैराग्लाइडिंग करना है तो ये भी है यहाँ पर सब चीज़ है। ये देखिए कैसा दिखता है ये मसूरी, और काफ़ी शानदार नज़ारा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगता है देख करके। ऐसे हिल स्टेशन पाने पर काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, एक बार जरूर आए आप भी, काफ़ी अच्छा दिखता है यहाँ पर।
ये देखिए देखिए उधर पैराग्लाइडिंग हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, आप देखिएगा पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हैं। ये देखिए अब यहीं पे जो है आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, और अच्छा एक स्पॉट दोस्तों, फोटो भी काफ़ी अच्छी आती है यहाँ पे, फोटो लेना तो ये भी एक जगह सही है। तो देखिए दोस्तों वीडियो, आगे मिलते हैं आपसे। दोस्तों हम अपने लास्ट एवं आखिरी जो है टूरिस्ट स्पॉट मत बोलिए इसको, ये एक मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का। और ये देखिए कुछ ऐसा है मंदिर अंदर का नज़ारा, अंदर में छोटा सा एक मार्केट टाइप का दुकान है, वहाँ से कुछ ले भी सकते हैं आप। और बाकी ये मंदिर कुछ ऐसा है, और काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं, घूमने के लिए आते रहते हैं यहाँ पर मंदिर पर। और यह मंदिर एक प्राइवेट मंदिर है, यहाँ पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है यह मंदिर निजी प्राइवेट है, यहाँ पे कोई दान न करे, ये देखिए पैसा चंदा व दान न चढ़ाएं, यह निजी मंदिर है। और यहाँ पे आप जो भी हीरा पन्ना, मतलब हीरा तो नहीं मिलेगा, जो भी पन्ना वगैरह जो होता है सब चीज़ ओरिजिनल यहाँ पर मिलता है। अगर आपको किसी भी तरह का रत्न यहाँ लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, बिल्कुल इनका गारंटी है। देखिए हर तरह का यहाँ पे आपको शिवलिंग वगैरह, हर तरह का पत्थर, तरह तरह का पत्थर आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको जो भी कितना नाम है दोस्तों मैं पढ़ भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअल में ये जो मंदिर है आपको मसूरी जाने क्रम में सबसे पहले मिलेगा, या तो आप इसको सबसे पहले घूमें या तो आते वक्त घूमें आखिरी में, ये सिंपल सा है ये लॉजिक। क्योंकि जब आप देहरादून से चलिएगा तो बीच रास्ते में ये मंदिर है, और काफ़ी फेमस मंदिर है, सभी लोग यहाँ पर घूमने आते रहते हैं। और बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार का ये मंदिर बना हुआ है, काफ़ी अलग तरह का इसका लुक है दोस्तों। और अंदर में एक मार्केट, मेन तो ये मार्केट जैसा ही है देखिए, और ये तो मंदिर है जो सामने से है ही है। अभी मैं प्रसाद के रूप में प्रसाद यहाँ पे मिल रहा है, वो प्रसाद ले सकते हैं। छोटा छोटा पेठा जो होता है आगरा का, वही पेठा यहाँ पर छोटा छोटा रूप में मिलेगा, इसको बिहार में मुरब्बा कहते हैं लोग, और आगरा का पेठा जो प्रसिद्ध है उसी के अनुसार ये भी यहाँ पर मिलता है प्रसाद। और ये कुछ ऐसा है अंदर से मंदिर, और ऊपर का करकट का है पूरा, नीचे पूरा बना हुआ है ऐसा घंटी है। और ये देखिए बाहर से लुक कैसा है, तो बाहर से मंदिर काफ़ी देखने में सुंदर लगता है। मसूरी से हम निकल चुके हैं और आ चुके हैं देहरादून, और ये देहरादून का एक फेमस स्पॉट साईं मंदिर है। और इसमें देखिए एक रुद्राक्ष का पेड़ का सूखा हुआ है, सूखा हुआ नहीं है पर ये पेड़ अभी है हरा हरा, इसमें पता नहीं कर रहा है। और रुद्राक्ष का पेड़ दोस्तों अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, बाहर एक और पेड़ है मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा, ग्रीन कलर का भी है, उसमें फल लगा हुआ है थोड़ा सा। और ये कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों ये मंदिर, काफ़ी अच्छा नज़ारा है दोस्तों। और चलिए हम लोग नीचे आपसे दिखाते हैं थोड़ा सा बाहर निकल कर कैसा दिखता है बाहर से मंदिर। और अंदर में सिर्फ मतलब कि साईं भगवान का ही नहीं, सभी देवी देवताओं का भी मंदिर यहाँ पे है, हर देवी देवता का मूर्ति यहाँ पे लगा हुआ है। और दोस्तों अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, ये वीडियो नहीं किसी भी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, देख कर कुछ समझ सकते हैं। और सामने देखिए तुलसी जी का पौधा है, यहाँ पे सामने तुलसी का पौधा लगा हुआ है, उसको कवर करके वहाँ पर लिखा हुआ भी है तुलसी का पौधा, काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों ऐसा देख करके। और ये देखिए ये है बाहर, ये रुद्राक्ष का पेड़ है सामने, और ये श्री बाबा देवस्थान स्थानम करके साईं मंदिर का नाम है। और अंदर में देखिए कुछ ऐसा है लुक। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आगे आपसे। आपको मसूरी का ये जर्नी कैसा रहा, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हम लोग मसूरी गए और मसूरी पूरा घूम का है, और अभी हम लोग देहरादून रेलवे स्टेशन पर है, क्योंकि यहाँ से हमारी नई ट्रेन जर्नी शुरू होने वाली है। ट्रेन है एक अवेलेबल हुई है मसूरी एक्सप्रेस। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।